गुड मॉर्निंग सभी को, क्लास 11 स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड। जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था वेक्टर एनालिसिस, और हम लोगों ने इस वेक्टर एनालिसिस में स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर पढ़ा था और टेंसर क्वांटिटी पढ़ा था। उसके बाद एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वेक्टर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन पढ़े थे। उसी में हमारा एक आया था जीरो वेक्टर, आप जानते हैं। और आज जो हमारा हम लोग पढ़ेंगे वो है जो जीरो वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और नल वेक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर आर फॉलोइंग, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर आर फॉलोइंग, ठीक। पहला क्या होता है आप जानते ही हैं, जीरो वेक्टर का जो होगा हमारा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। यानी जीरो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो। इसमें समझ से लिख सकते हैं इसको, अगर हमारा कोई जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, हमारा जीरो होता है। दूसरा अगर है पॉइंट हमारा प्रॉपर्टी में है कि अगर हमारा कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, एनी वेक्टर हो, उस वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वेक्टर पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यानी अगर हमारा कोई भी वेक्टर हमें गिवन है और उस वेक्टर में हम जीरो को या ऐड कर लें या जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो गिवन वेक्टर होगा उस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इन एनी गिवेन वेक्टर एड और सब्ट्रैक्टेड जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर देन नो इफेक्ट देन नो इफेक्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर सपोज करिए हमारा एक कोई वेक्टर ए है, इसमें अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर ए पर हमारा कोई भी प्रभाव क्या होगा, नहीं पड़ेगा। यानी हमें वेक्टर ए ही और प्राप्त होगा, ट्रेन होगा। इसी तरह से अगर वेक्टर ए है इसमें से जीरो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ऑलवेज बी गेट ए वेक्टर ए। ये याद रखिएगा, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जीरो वेक्टर में किसी नॉन जीरो रियल नंबर का क्या करें, मल्टीप्लाई करें, वो क्या हो, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है,
नॉन जीरो का मतलब समझ रहा हूं कि जो कि क्या हो, जीरो ना हो। तो इस नॉन जीरो को अगर हम जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें जो मिलेगा वो जीरो वेक्टर ही मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नाम लिखेंगे, इफ बी मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर विथ एनी नॉन जीरो रियल नंबर देन वी ऑब्टेन ऑलवेज ए जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमारा कोई नॉन जीरो रियल नंबर क्या है, वो है स्मॉल n है, ठीक। इस स्मॉल n को अगर हम जीरो वेक्टर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वी गेट ऑलवेज ए जीरो वेक्टर। इसी तरह से अगर कोई भी हमारा वेक्टर है, उस वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा क्या होगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा। चौथा पॉइंट यह है कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। जैसे हमारा ए वेक्टर है, इसको हम क्या करें, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी जीरो वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज जीरो वेक्टर मिलेगा। तो ये पांच पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी जीरो वेक्टर में अगर ये सब प्रॉपर्टी का ध्यान में नहीं रखेंगे और जीरो वेक्टर का कोई भी ऑपरेशन आया तो वहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगा। तो पहला पॉइंट एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या है हमारा कि जीरो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो, अगर आपका जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसी तरह से अगर इन एनी गिवन वेक्टर, यानी आपको कोई भी गिवन वेक्टर दिया जाए तो और उस वेक्टर में अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जीरो वेक्टर को, तो देन नो इफेक्ट, यानी इस गिवन वेक्टर पर कोई भी इफेक्ट क्या होगा, नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो दिखाया तो क्या मिलेगा, हमें वेक्टर ए। इसी तरह से वेक्टर ए में जीरो को वेक्टर घटाएंगे तो हमें वेक्टर ए मिलेगा। तीसरा हमारा जो है वो ये है पॉइंट की बी मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर को विथ एनी नॉन जीरो रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ऑलवेज जीरो वेक्टर ही मिलेगा। यानी क्या हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, रियल नंबर है, उसमें जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने में जीरो मिलेगा। और अगर हमारा कोई गिवन वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर है, उसमें भी हम जीरो को मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलवेज कहते हैं जीरो वेक्टर, तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो ये पांचों चारों पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, जैसे किसी चीज का अगर पोजीशन बताना हो, जैसे आप बताइए कि आपके
घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो आपने 4 किलोमीटर बताया उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक। लेकिन अगर आप ये कह दें कि हमारा विद्यालय है हमारे घर से वो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, वो आपके घर से चलेगा और 4 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में क्या होगा, उसको विद्यालय मिल जाएगा। यानी आपने दिशा को क्या किया, स्पेसिफाइड कर दिया, बता दिया। तो ये कथन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिसको आपने बताया उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन इंडिकेट करने में उस व्यक्ति को क्या होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा उस व्यक्ति के लिए कि जो हमारे घर से विद्यालय है वो 4 किलोमीटर उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो ये हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो आपने क्या की, अपने विद्यालय की पोजीशन बता दी। तो पोजीशन ऑलवेज कंसीडर इन ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। पहला इसी वेडी है पोजीशन वेक्टर, जैसे O क्या है, हमारा एक ओरिजिनल पॉइंट है, ये क्या है, दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट इसे कहेंगे। ये है आपका ओरिजिनल पॉइंट, ये क्या है, P पॉइंट है, ये आपका अनदर पॉइंट है। तो अगर आपका ये दूसरा जो पॉइंट पी है, ये दूसरा पॉइंट हमने लिया है, तो अगर सपोज करिए कोई पार्टिकल पी पर सिचुएटेड है, यानी उसकी पोजीशन को हमने कहा मान लिया पी पर, तो इस पी पॉइंट पर जो पार्टिकल आपका है अगर इसकी पोजीशन हमें बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे कि जो हमारा पार्टिकल है वो ओरिजिन पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर पोजीशन पे क्या है, सिचुएटेड है। तो दूसरे पॉइंट का हम क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को बता रहे हैं। तो जब भी हम लोग किसी एक के टर्म में, एक पॉइंट के टर्म में दूसरे पॉइंट का हम क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं, तो वेक्टर आर क्या दिखाएगा, पोजीशन वेक्टर को बताएगा, या फिर जो ओपी वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर को बताएगा आपके। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए, जो हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं वो पोजीशन वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सिचुएटेड है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या है आपका, एक वेक्टर है, पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो जब ये वेक्टर हो है तो ये वेक्टर आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट पर जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन को बताएगा। यानी इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दोज वेक्टर विच टेल्स अबाउट, विच टेल्स अबाउट एनी पार्टिकल, ऐसे कह सकते हैं, यानी दोज वेक्टर विच टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू
ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी हमें वेक्टर उसकी पोजीशन को बताए वही हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोज वेक्टर ठीक विच विच टेल्स अबाउट अनदर पॉइंट रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉइंट कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। यानी यहां पे मतलब दोज वेक्टर जो हमें क्या करे किसी दूसरे पॉइंट के बारे में क्या करे बताए किसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन पॉइंट के, यानी जो हमारा वेक्टर आर है ये वेक्टर आर क्या कर रहा है ये जो दूसरा पार्ट की दूसरा पॉइंट है इसके बारे में बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर आर जो हमने यहाँ लिखा है स्मॉल आर वो क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, और पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं यानी यहाँ पर वेक्टर ओपी क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर होगा और ये किसकी इक्वल होगा इस स्मॉल वेक्टर आर के। तो ये हमारा है पोजीशन वेक्टर ठीक। डेफिनेशन यहाँ पर क्या है दोज वेक्टर विच टेल्स अबाउट अनदर पॉइंट रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉइंट कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से एक हमारा और वेक्टर होता है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज करिए ओ क्या है ओरिजिन है और पूरी पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्मॉल आर वन आर वन डिस्टेंस पे एक पार्टिकल पी है इसकी इस पोजीशन का क्या है आर वन वेक्टर आर वन पोजीशन पर इसकी इस पोजीशन को हमने कहा जाता है पी पर। अब इसी तरह से अगर हम और ये कितने टाइम में है मान सपोज करिए टी वन टाइम में, इसी तरह से ओरिजिन से टी टू टाइम में पार्टिकल की पोजीशन का हम हमने मान लिया क्यू पर। तो अगर हम P और Q को अगर मीट कर दें और मीट करने पर क्या आपको मिलेगा कि डेल्टा T जो हमारा टाइम इंटरवल है यानी T2 माइनस T1 इतने समय में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा वेक्टर PQ के थ्रू, और वेक्टर PQ किसके इक्वल होगा हमारा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 के इक्वल होगा। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, आप ऐसे दो एक्स वाई प्लेन दिखाएंगे और ओरिजिन O के रेफरेंस में पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे आप दिखाएंगे पॉइंट P पर T1 टाइम में, इसी तरह से
पॉइंट ओ के रेफरेंस में पार्टिकल की पोजीशन आप टी टू टाइम क्यू पॉइंट पर लिखेंगे और पी से अगर पार्टिकल क्यू तक जाता है तो पी और क्यू को मीट कर देंगे तो डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या शो करेगा आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा पी क्यू होगा और ये किसके इक्वल होगा वेक्टर आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ पर वेक्टर पी क्यू हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और वेक्टर पी क्यू इक्वल होगा आपका वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन के, या वेक्टर पी को पी क्यू को अगर हम डेल्टा वेक्टर डेल्टा आर मान लें तो वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की बात, इन चीज़ों को ऊपर करके पढ़िएगा। और अभी ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगा, इम्पोर्टेंट है, ये पूरे भविष्य में आपके काम आएगा, ऐसे हर जगह वेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो इसको पढ़ते रहिए क्या होता है हमारा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो कंटिन्यू वॉच करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और सभी को चलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।